दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे और जिसका यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड आ गया था और जो यहाँ पर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए हैं, तो उनमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको फाइनल सबमिट के बाद प्रिंट निकालने में यानी कि रिसीविंग का कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, यानी कि उसका रिसीविंग यहाँ पर डाउनलोड हो ही नहीं पा रहा, जो कि आप सभी लगातार ये कमेंट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट चाहे आप फ्रेश हैं या जो है रहने वाले हैं कि हम जो फाइनल सबमिट करते हैं फाइनल सबमिट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है जो रिसीविंग निकलना चाहिए उसका कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ना रिसीविंग निकल रहा है, आपको यहाँ पर जो है वेबसाइट काम ही नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है इसको रिसीविंग को निकाल सकते हैं अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, और जो है इस रिसीविंग को कहाँ आपको जमा करना है, और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना होगा जमा करते टाइम, क्योंकि आप जो है रिसीविंग नहीं निकालते तो फिर आपका कोई सबूत ही नहीं रहता है कि इसमें जो है आप आवेदन यहाँ पर किए हैं, और आपका जो इंस्टीट्यूट के तरफ से यहाँ पर वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा अगर आप जो है यहाँ पर जमा भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी आवेदन किए हैं और जो फाइनल सबमिट कर दिए हैं और प्रिंट नहीं निकल रहा है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सकेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है आ जाना है हमारे वेबसाइट यानी कि rockstareducation.in लिख करके आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन में इस प्रकार के वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको देख पाएंगे, या फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप का सेक्शन देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा और यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को इस प्रकार से मिल जाता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शंस पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो आपको यूजर आईडी आया है उसकी आवश्यकता होगी और जो पासवर्ड आया था उसका यहाँ पर आवश्यकता होगा फाइनल जो आप सबमिट किए हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है लॉग इन इन एप्लीकेशन बीसीबीसी स्टूडेंट, जो ब्लू कलर का आप लिंक देख रहे हैं इसमें आपको सिंपली यहाँ से इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर जो है लॉगिन होना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार का इंटरफेस देखने के बाद यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालना है, और ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस बॉक्स में डालना होगा, और लॉगिन वाले बटन जो देख रहे हैं इस पर आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है इस कैप्चा कोड को जो है यहाँ पर डाल दिया और मैंने यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर सिंपली क्लिक कर दे रहे हैं। यदि आपने जो प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो सेम प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो कीजिएगा, आपका प्रिंट आउट यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए हमारे सामने जो यहाँ पर जो आईडी है वो ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपने जो भी आवेदन किए थे सभी का डिटेल्स वगैरह सब क्या क्या आपने अपलोड किया था सभी चीज़ यहाँ पर डन डन देखने को आपको मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर तीसरा नंबर में देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट का। सिंपली आप क्या करेंगे, इसी वाले ऑप्शंस पर यहाँ पर स्टेटस, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते साथ ही यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है और डाउनलोडिंग होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपने जो फॉर्म यहाँ पर जो है सबमिट किया है फाइनल सबमिट उसका रिसीविंग यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड भी हो चुका है। अभी यहाँ पर जो भी आपने फिलअप किए हैं सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका जो है यहाँ पर क्या क्या आपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका कहाँ कहाँ वेरिफिकेशन हुआ वो चीज़ यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है। देखिए आप जो है इसको डाउनलोड करने के बाद एक प्रिंट निकाल के अपने पास रखिएगा, एक प्रिंट आपको कॉलेज में जमा करना है। कॉलेज में जमा करते समय जो है आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं जैसे टेंथ का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड आप ओरिजिनल रहने दीजिएगा, फी रिसिप्ट को लगाना है,
लास्ट एग्जाम सर्टिफिकेट आपका जो भी है उसको लगा करके प्रिंट आउट दे करके कॉलेज में जमा कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका यानी कि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ये सभी कॉलेज में जा करके डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो इंस्टीट्यूट के तरफ से होगा इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। तो आई होप कि मैंने जो भी जानकारी दी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो देख करके आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अपने दोस्त राहुल को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन।